अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर 9 है और लेक्चर 9 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स। इस एक्सरसाइज में ये पहले आप कर चुके हैं, हम सिर्फ ये करेंगे साथ साथ कि हमने इनके क्या करना है, वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी। तो आइए, पहले ही आप कर चुके हैं, हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपका जो असल फोकस होगा वो वेन डायग्राम सीखने के होगा। तो आइए पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप फ्रेंसिस लगाइए, ए लिखिए ए बी सी डी, सेट ए में ये एलिमेंट है, यूनियन बी में है डी ई एफ, ब्रांचेस क्लोज कीजिए यूनियन, और सी में है ए ई आई ओ एन जी। तो आइए हम इनका यूनियन फाइंड आउट करते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ यूनियन ए ई आई ओ यू, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ आई ओ एन जी। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली, आपने उसको वन का। अब हम उसके वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना देंगे, वो रेक्टेंगल जो शो करेगा हमारे यूनिवर्सल सेट को, और यहाँ पे यू लिख दिया। अब आइए पहले ए और बी का रिलेशन चेक कीजिए, क्या ए और बी डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। जैसे क्वेश्चन में है या उसमें ओवरलैपिंग है, ए और बी कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, बी पर। तो मैंने ये लिखा सेट ए, वो यहाँ पे इस तरह से करके सेट बी लिख दिया। अब जहाँ इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है, यानी जो डी कॉमन है, उसको यहाँ लिखी, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है सी। सी का भी पहले हम ए के साथ रिलेशन चेक करेंगे, सी और ए कहाँ कॉमन में क्या कॉमन है ए, और सी और बी में क्या कॉमन है ई। तो जब हम लिखेंगे, हम सी को इस तरह से दोनों पे ओवरलैप करवाएंगे, यहाँ सी लिख दिया, ए और सी में क्या कॉमन है ए, ए यहाँ पे आ गया, बी और सी में क्या कॉमन है ई, ई यहाँ पे आ गया। अब अगर आप तीनों सेट्स को गौर से देखें, यहाँ पे ए बी सी डी है, डी ई एफ ए, ए ई आई है, तो आप देखें तीनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो। तो ये सेंटर वाला जो है, जहाँ पे तीनों ओवरलैप करें, वो देखें उसी तरह एम्प्टी रेट है। अब हम बाकी के एलिमेंट्स लिखते हैं, ए बी सी डी, ए हम लिख चुके हैं, डी लिख चुके हैं, बी और सी यहाँ पे आ जाएंगे, डी ई एफ डी भी लिख चुके, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ए और ई लिख दिया, आई ओ यू यहाँ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इनको शेड करना है, या लाइंस लगानी है, स्टार लगाएं, डॉट्स लगाएं, जो हमारा ऑपरेशन का आंसर है। हमारे आंसर है ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू। तो ये देखेंगे तीनों सेट सारे होते हैं, तो मैं इस तरह से लाइंस लगा रही हूँ। आप चाहे लाइंस लगाएं, शेड करें, स्टार्स लगाएं, डॉट्स लगाएं, जो आपका दिल चाहते हैं करें। ये करने के बाद आप नीचे लिख देंगे लाइन पोर्शन shows A union B union C। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड होंगे। अब राइट हैंड साइड की तरफ आइए, A union B union C पहले सेट लिखे, पहले हम फ्रेंसेस के अंदर वाला काम करेंगे, यानी हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो आ जाएगा ए डी ई एफ आई ओ यू। अब इन दोनों का आपस में आप इंटरसेक्शन ले, यूनियन ले लीजिए,
तो आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ आई ओ एन यू, ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के लिए गेन आप पहले रेक्टेंगल बनाइए, स्टेप्स वही हैं सेम उसी तरह बनेंगे। पहले सेट ए लिखिए और सेट बी के साथ उसका रिलेशन चेक कीजिए। ए और बी ओवरलैपिंग है तो ये ऊपर आ जाएगा, ए सी दोनों के साथ ओवरलैप हो रहा है तो सी इस तरह से आ जाएगा। सॉरी अब यहाँ पे देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, डी वो यहाँ लिख दिया। ए और सी में क्या कॉमन है, ए वो यहाँ लिख दिया। बी और सी में क्या कॉमन है, ई वो यहाँ लिख दिया। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। आप बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए लिख लिया, बी और सी यहाँ आ जाएगा, डी नेक्स्ट हमारे पास डी ई एफ यहाँ पे आ जाएगा, ए ई आई ओ एन यू। अब हम आंसर में जो सारे आ रहे हैं इसलिए सारे को आप शेप दे दीजिए, लाइन्स लगा दीजिए। मैं लाइन्स लगा रही हूँ, आप इस तरह से लाइन्स लगाएं और लास्ट में लिख दीजिए लाइन पोर्शन शोज ए यूनियन बी यूनियन सी। ये अभी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट की है और उसको वेन डायग्राम के जरिए शो किया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं। जी बच्चों आइए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने लगे हैं, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने लगे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आइए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप लिखिए ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटरसेक्शन सी, पेंसिल्स ए बी सी डी, इंटरसेक्शन डी ई एफ, पेंसिल क्लोज, इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू। तो जनाब बेटा आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली। क्या कॉमन है, डी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ए को अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है तो अब उसी तरह से हम वेन डायग्राम शो बनाएंगे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि हमने वही सेट्स लिए हैं, सेट्स फर्क नहीं है। यू लिखा ए बी और सी लिख दिया, ए और बी में क्या कॉमन है, डी। ए और सी में क्या कॉमन है, ए। बी और सी में क्या कॉमन है, ई। इधर आ जाएगा बी और सी, इधर एफ आई ओ यू। अब यहाँ पे तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आया, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो हम किसी भी जगह को कोई लाइन नहीं लगाएंगे, शेप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसलिए हमने ऊपर किसी भी चीज़ को कोई हाईलाइट नहीं किया। अब आ जाइए इसी की राइट हैंड साइड की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी डी इंटरसेक्शन डी ई एफ ए ई आई ओ यू क्लोज। यहाँ पे देखिए हम इंटरसेक्शन लेंगे पहले बी और सी का,
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए। आप इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन देंगे एम्प्टी सेट, उसे टू कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा वेन डायग्राम बनाएंगे, यू लिखा सेट ए, सेट बी और सेट सी, क्योंकि हमने पहले भी पीछे भी काम कर चुके हैं, हमें पता है ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग है, यहाँ डी कॉमन है, यहाँ ए कॉमन है, यहाँ ई बी और सी एफ आई ओ यू, तो हम अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। लास्ट में हम मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आप पहले पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बस आपने इधर काम करते वक्त वेन डायग्राम पे फोकस करना है। मैंने आपको एक पार्ट करवाया, बाकी के पार्ट आप खुद कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ पूछना हो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कीजिए ताकि आपको बताया जा सके। खुश रहिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।